ଜହ୍ନାର ପିଠୁଛି ପିସି ଫୁଲଡ ପକାଛି ଚାଉ ଫୁଲଡ ଅଲଗ ବନାଛି ଜଉ ଅଲଗ ବନାଛି ମାସା ଅଲଗ ବନାଛି ହେଲା କମ ଯେନ ମୁଖିଆ ପକା ଯୋ ଘର ହଏ ହଉ ଖାଲ ବତାରେ ତେ ମେରକୁ ହଉ ଯୋ ଘର ମୁଖିଆ ହଏ ଉ ପକନି ହଏ अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ सासू जी के साथ में, मेरे को आज बताया मेरी सासू जी ने, पर अब तो खेती वेती सब खत्म हो गई है। जय श्री राधे कृष्ण, कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी बज रहे सुबह के 6:30, तो आज फिर से मैं आ गई हूँ छत पर। आज छत से अपनी वीडियो की शुरुआत कर लूँ, और कल मैं वीडियो सुबह नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पर पतंगें उड़ने लगी थी सुबह 6 बजे से ही, और इतना शोर, हर जगह गाने चल रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ की आवाज़ें आ रही थी। तो शाम को 6 बजे में छत पर आई, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, तो कहीं पर वॉइस ओवर करा क्योंकि गाने लगातार पूरे दिन भर चल रहे थे, देशभक्ति के गाने चल रहे थे, कोई वैसे इंजॉय करा रहा था वैसे भी गाने चल रहे थे। तो आज मैं 4-5 दिनों के बाद पार्क गई, थोड़ी सी तबीयत ढीली ढाली ऐसी चली है एक हफ्ते से, तो मैंने कहा आज चलती हूँ। तो लेट गई थी मैं, 6:45 गई, जबकि मैं 5 बजे से जाती हूँ, 6:45 गई, जाऊँ ना जाऊँ करके फिर मैंने कहा नहीं चली जाती हूँ थोड़ा सा। तो छत पर आई हूँ, कल ना कबूतरों को इतनी परेशानी हुई, उड़ते रहे पूरे दिन भर सुबह से लेके, तो उन्होंने इतनी सारी पॉटी कर दिया बहुत ज़्यादा, पूरा दिन भर वो उड़ते रहे। शाम के टाइम में जब आई थी मैंने वीडियो में, शाम के समय मैं छत पर आई तो मैंने वीडियो में बता रहा था कि आज कबूतरों का बहुत बुरा हाल हो रखा है, पूरा दिन भर उड़े जा रहे थे। एक कबूतर यहाँ पर था हमारी छत के यहाँ पर कोने पर था, तो उसके पैर पर ना मांझा उलझा हुआ था, तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा इसका मांझा निकाल देती हूँ पैर से, क्योंकि कहीं दूसरी जगह भी ऐसे उलझ जाएगा तो कहीं लटक जाएगा ऐसे ही, वो जब तक मैं उसके पास जाती उड़ गया था वो। तो यहाँ छत की धुलाई कर देती, बहुत सारी पोटी पोटी कर दी है कबूतरों ने। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, आज मुझे बहुत लेट हो गई है काम करते करते, मैंने बहुत सारी सफाई करी है आज, क्योंकि कल है घी संक्रांत, तो आप लोगों को एडवांस में घी संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो घी संक्रांत की वजह से मैंने आज साफ़ सफाई करी है। हमारे गांव में भी जब संक्रांत आती है कोई सी भी, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ, ऐसे घर में साफ़ सफाई, लत्ते कपड़े धोना, पहले से मतलब ये चलन है हमारे उसमें, आजकल तो ऐसा नहीं है कि गंदे कपड़े होते हैं, मतलब आजकल तो रोज़ नहाना होता है, रोज़ कपड़े धोते हैं, लेकिन ये है कि गांव में अगर ऐसा त्यौहार मनाते तो मेरे को परसों धोने थे बेडशीट वगैरह, मैंने कहा नहीं अब घी संक्रांत आ रही है तो मैंने आज धोए, घी संक्रांत है कल, तो आज सारे कपड़े धोए और किचन के पूरे यहाँ नीचे सारे यहाँ सफाई करी और टाइल्स वगैरह सब साफ़ करे, यहाँ ऊपर सफाई करी और दरवाजे साफ़ करे, दरवाजे साफ़ नहीं करे थे बहुत दिनों से, हल्के पुल्के मैं करती रहती थी, आज मैंने साबुन के पानी से अच्छे से साफ़ करे, 2 पंखे साफ़ करे क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। इधर मैंने लड्डू गोपाल का भोग रखा हुआ है, लापसी बना रही हूँ मैं आज, 4-5 दिनों बाद बना रही हूँ आज, ये भी बन चुकी है, और इधर बना रही हूँ सिंपल से रोटी और सब्ज़ी, आज नहीं बनाई, इतनी सी सब्ज़ी है भिंडी की, अब ये भिंडी की सब्ज़ी बेटा और थोड़ा सा सासू जी को देंगे, और थोड़ा सा है तेल की चटनी, तो अभी ऐसे ही काम चला ली थी क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी में काम चला लेते हैं। सब्ज़ी हम कल ही लेके आए हैं, मैं और मेरी सासू जी गए थे मंगल बाज़ार, तो बहुत सारी सब्ज़ी लेके आए हैं, पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आए हैं, पर बनाने का नहीं मिला समय, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आज खाने पीने का ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे खा लें ऐसे करके, चटनी से भी खा लेंगे, फिर दिन में बनाऊंगी दाल चावल। अभी 12:01 बाकी है, आज मैंने घड़ी पहनी हुई है क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, इस घड़ी को जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तभी पहनती हूँ, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो फ़ायदे देखने के लिए मैं इसलिए इस घड़ी को वॉक करते समय पहनती हूँ। ये घड़ी मेरा बड़ा बेटा लाया था 3 साल पहले, तो 1 साल तो मैंने नहीं पहनी क्योंकि मुझे पता नहीं था इस स्मार्ट वॉच में क्या क्या फंक्शन है क्या है करके, फिर जब 1 साल बाद बेटे ने बताया तो फिर मैंने कहा चलो भैया घड़ी पहनना तो अच्छी बात है, इसको पहनती हूँ। तो इसमें एक तो मैं स्टेप्स देखती हूँ कितने स्टेप्स मैं चली हूँ पूरे दिन भर, जब मैं मॉर्निंग वॉक पर पार्क जाती हूँ तभी पहनती हूँ इस घड़ी को, घर में नहीं पहनती, और उसके बाद हार्ट बीट कभी मेरी तेज़ होती है कभी
सही होती है, कभी स्लो हो जाती है वो भी देखती हूँ, और नींद मेरे को रात में कैसी आती है वो देखती हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं 3-4 ही देखती हूँ, इसलिए मैं इस घड़ी को पहनती हूँ। कोई फैशन के लिए या ऐसे नहीं, शौक के लिए नहीं, बस अपने फ़ायदे के लिए इस घड़ी को पहनती हूँ। तो 12 अब बज चुके हैं, और अभी तक मैं काम पर बिजी थी, सासू जी को नहलाया, कपड़े वपड़े धोए उनके, और उधर मैंने दाल चढ़ा दी है गैस पर, और मैं सोचूँ कि साथ साथ चावल भी बना देती हूँ, और दाल चावल बनाऊँगी आज, और उसके बाद दिन का खाना खा के तब थोड़ा सा आराम करूँगी, कपड़े लगते सारे अंदर रख के, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँगी ना फिर आलस आ जाएगा। तो कल घी संक्रांत है, सासू जी को बुलाती हूँ, यहाँ पर फ़ैन बंद कर रखा है, अगर आएंगे तो उनसे पूछती हूँ कि घी संक्रांत पर क्या क्या किया जाता है। कल उन्होंने मेरे को उसके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी जो कि मुझे पता नहीं थी, तो मैं सोचूँ कि ये जो जानकारी है आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ जो मुझे पता नहीं थी। क्या पता आप लोगों में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको घी संक्रांत में क्या करना चाहिए वो पता नहीं होगा। तो बुलाती हूँ सासू जी को। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से ज़्यादा, और बाल वाल पता नहीं आज भी कहीं पंडित जी की चुटिया जैसी ना निकल रही हो, आज नहीं निकली। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ ना गर्मी की वजह से, सुबह उठते ही जूड़ा बना लिया, कोई बाल वाल बना नहीं कुछ नहीं, बस शाम को टाइम मिलेगा तो बना भी देती हूँ, नहीं मिले तो नहीं भी बनाती, क्योंकि मेरे बाल ना वैसे छोटे हो रहे हैं, बाल मेरे अभी तिहाई हिस्से रह गए हैं, पहले तो इतने घने बाल थे, इतनी मोटी चुटिया बनती थी मेरी, अब ये 4 हिस्से निकल गए, 1 हिस्से बचे गए। तो ये हेयर फॉल नहीं कहा जाता है इनको, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बाल ना, ये देखो अभी तो मैंने ऑयल लगा रखा, जब मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ तो जब ऐसे बाल आपके निकलते जाते हैं, मतलब नए बाल आते जाते हैं और पुराने बाल जो हैं झड़ते रहते हैं, तो उसे हेयर फॉल नहीं कहा जाता, वो हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। और अगर बाल आपके गिर रहे हैं और एक भी बाल नया नहीं निकल रहा है, मतलब नया बाल उग नहीं रहा खोपड़ी में और सर जो है आपका गंजा सा दिखने लग गया, तो उसे हेयर फॉल बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं भाई बहुत बड़ी दिक्कत है और आपको कुछ खाने पीने का या कुछ जानकारी ऐसी करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाए ना जाए भैया वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हेयर फॉल नहीं है, मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे बाल झड़ते हैं। बस शुक्र ये है भगवान का कि मेरे नए बाल आते रहते, गंजी शायद मैं ना हूँ, कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि मेरे माँ के बहुत सारे बाल थे, मेरी दीदी के मेरे से भी दुगने बाल हैं अभी भी, जबकि दीदी मेरे से 3 साल बड़ी है। और कल मेरी दीदी का जन्मदिन था 15 अगस्त को, तो दीदी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब जियो, खूब खुश रहो, खूब घूमो फिरो, तीर्थ यात्रा कर रही है मेरी दीदी जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो दीदी जा रही है तो वो फ़ोटो डाल देती है और फिर उसके बाद कॉल करती है, मुझे भी जानकारी देती है जहाँ जहाँ वो जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई नई जगह देखते हैं तो कोई भी देखता अच्छा लगता है। तो मैंने विश कर दिया था दीदी को, व्हाट्सएप पे ही करा था, मुझे ध्यान आया शाम के टाइम, भूल गई थी मैं, तो अभी मैं अगर वो वीडियो देखेगी आजकल तो आज वो जा रखी है प्रयागराज, तो वहाँ पर उनका कुछ भंडारा वंडारा करवा रहे हैं वहाँ पे, तो मेरे को फ़ोन पर बताया था एक दिन पहले, तो जब भी वीडियो देखेगी तो विश तो कर ही देती हूँ दीदी को। तो सासू जी आ गए हैं, पूछती हूँ उनसे कि घिसगान में कल मेरे को बताया था ना थोड़ी सी, इसलिए मैं सोचूं कि आप लोगों को भी जानकारी दे देती हूँ, तो बताओ घिसगान में। घिसगान है जी, कई दिन पाप हमारे घिसगान है जी, तो हम धान घमिया छी, धान कुटू छी, उखोन ग्यों धार हो जी, दैण धार हो जी, दैण तेल लाढ़ा न्या हो, धान को कुटन है बहुत पिसण है, जन्हार पिसू छी, और पिसी फुलाड़ पकाची, चाऊ फुलाड़ अलग बनाची, गेहूँ अलग बनाची, मासा अलग बनाची, पर लघाड़ा बनाना है, लघाड़ पकाना है, पर जन्हा टोरची, पर जन्हा धारती ओनम, पर दाढ़ी ने छे भी दाढ़ी मोला धार छी, पर आईना चढ़ा है अब, पर नो तेल ले जानो देनो, तब जाना है भो नया धोवे सब भरे लिपण लापण भेड़ भाई लिपे लापण आज भो सियान है तो आईना चढ़ाण है। अब बाजारे ताओ पिसुम बाजारे के ज्यो पिसुम वका फू पकामे वका फुलाड़ पकामे। और तुम्हें अलग कम से ना मुखिया पका जो घरों को है। हो कल बता रहे थे मेरे को। हो जो घरों मुखिया हो वो पकने हो। हाँ न्यास रान है वो। कल बता रहे थे मेरे को, तो मैंने कहा भैया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी अम्मा भी बनाती थी, सासू जी ये बोल रहे हैं कि नई फसल का रखते हैं, जैसे गेहूं का रख दिया, नई फसल हुई गेहूं, तो देड़ धारो। हाँ देड़ो तेल गाँव है, अलग
देने तेल गाय जानो गेहूँ को धारण हो एक ना एक गेहूँ आने आए हूँ गेहूँ कुटन है अलग कुटबे अलग धा जन हो देन मान मुनबे ये चौथे अलग धा जन हो देन ये झिझियाई हो क्या हो गया धान धान बुतुची हम बुझे कंटन बाई रहेगा वो कुटन है आधा हाँ जितने भी फसल हम बोते थे अपने खेत में हाँ। गेहूँ सरसों धान और क्या है मांस मांस ये सारी चीजें अलग से रख देते थे हाँ। तो जो कल घिसरान था हमारे उसमें हम भगवान जी को पहले भोग लगाते थे अपने पितरों को है हाँ। पितरों को अपने हाँ। मंदिर में जो थान होता है गाँव में थान बोलते हैं मंदिर तो हम यहाँ बोलते जो हमने अपने घर में मूर्ति रखे हुए हैं और हमारे उत्तराखंड देवभूमि है तो हमारे अपने अपने देवता होते हैं तो उसको थान बोलते हैं तो अपने थान में भी रखते थे अपने पितरों का भी नाम लेते थे तो ये मेरी सासू जी ने मेरे को कल बताया कि ये चीज़ें जो है घर का मुखिया बनाता तो मुझे ये पता नहीं था मुखिया बना जो है बुढ़ावा है वो बनने रहेगा हाँ तो मतलब अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ सासू जी के साथ में मेरे को आज बताया मेरी सासू जी ने पर अब तो खेती वेती सब खत्म हो गई है बोले कि बाजार का ही लाते हैं सब कुछ गेहूँ लाते हैं अलग से पिसवाते हैं हाँ वो चावल भी अलग से पिसाते हैं मतलब उसका बनाते हैं छोटे छोटे बड़े से बनाए तो वो उनका भोग लगाते हैं ये तो मुझे पता था मेरी दादी भी करती थी जैसे दाड़िम बोल रहे हैं अनार का छोटा भाई होता है ना उसे दाड़िम बोलता है जो बहुत खट्टा होता है जिसका अनारदाना बनता है उसे भी लाते थे और भुट्टे लाते थे हमारे उसमें जनौ बोलते हैं कहीं घोक बोलते हैं कहीं मक्का बोलते हैं बहुत सारे नाम हैं उसके तो वो भी लाते थे धान अगले के लिए जी धान बाल हो जान हो धान के बाल हो गए कौड़ी का हो गया बाल हर धानु जान है कौड़ी बाल हो जान हो जी कौड़ी धारणा तो जो डावन धारणा बचे वर्षा जड़ बन वो उनको छत की बल्लियां रखी होती थी कच्चे घर होते थे पहले गांव में तो उनके अंदर उनको डाल दिया था तो ऐसे होती थी घी संक्रांत की तैयारी गाँव में अब तो फसल है नहीं खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है तो जो भी है सब बाजार का लाते हैं फिर भी वो काम करते हैं जो करना फिर है कौन हो हाँ चाहे अपने खेती का नहीं भी है तो पितरों का नाम लेना बाजार चाव पीस जहाँ गेहूँ पीस बाजार के अलग अलग फुलाड़ बना रहे हूँ चाव अलग गेहूँ अलग हाँ मांस भिजाना है मांस उलो बनाना है हाँ तो वो थान के धाना है तिमला पे तेल में तो यहाँ पर तो चावल का आटा मेरे पास है नहीं अब उड़द की दाल के वो अब मेन तो चक्कर यह है कि कल मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है और हॉस्पिटल भी जाना जरूरी है और संक्रांत भी पकाना जरूरी है अब जैसे भी बनेगी जो भी होगा भगवान सब वही है और अपनी समस्या में सबसे बड़ी समस्या है कि आँख दिखाने जाना है मेरे को आँख पीड़ा मजाज ये इसमें ना ज़्यादा छोटी दिख रही है पर ऐसे करके इतनी छोटी नहीं है मेरी ननद देखेंगी वो कहेंगी भैया कि आँख बहुत छोटी हो रही है पर इसमें ज़्यादा छोटी लग रही है ऐसे इतनी छोटी नहीं है ये लाल नहीं हो रहा आज जरा हो रहा यह कोना जाने तो कल दिखाना है कल वही है कि एक टांका और है आँख में उन्होंने तो कहा तो गल जाएगा अब 5 महीने होने को हाँ पूरे अभी तक गला नहीं है तो आप वो टांका लगाए उसकी वजह से दिक्कत है या क्या है जो भी है कल तो जरूर जाना है हॉस्पिटल चाहे कुछ भी हो जाए संक्रांत बने ना बने जो भी होगा हॉस्पिटल मेरे को जरूर पहुँचना टाइम से फिर वो क्या बताते हैं अगर टांका काटने को बोलेंगे तो फिर परसों वो बुलाएंगे ऑपरेशन थिएटर में अब परसों बुलाते हैं इसी काट दस को वो दिन कहाँ काटो उसका काटे घूमती थिएटर में नहीं बुझे घूमती तो बिहार काटो से हो इसी क्या इसी कहे इसी काटो अच्छा वही नहीं लिखा है ना अच्छा तो ठीक है फिर मगर तो वही टेंशन है सर नहीं तो भर्ती वर्ती का कागज बनाना पड़ेगा ना फिर ऑपरेशन थिएटर में ऐसे ही मुझे आमा जब उसके काट दिला तो इसी का उदिन जैसे उदिन काटो आप अच्छा सब इसी का काट लो मुझे अच्छा 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 हाँ तो वो तो 1000 रुपये ऐसे हो जाएगा अच्छा मैं सोचूँ ऑपरेशन थिएटर में लीजिए ना उदिन ना इसका काटो अच्छा अच्छा कैंची काट हाँ तो एक उसने मैंने परसों बताया ना उनको कि टांका लगा हुआ है कहीं उसका दर्द तो नहीं है तो उसने देखा तो कहने भाई इस पर एक टांका और है तो जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो आई नहीं थी उस दिन सैटरडे को तो कहा कि थर्सडे को आना फिर ये परसों कल 15 अगस्त से कल तो छुट्टी थी कल आती है तो अब जाना है कल तो मुझे यही लग रहा था कि ऑपरेशन थिएटर में होगा खेलो वो दिन जो बुढ़े है वो तो उन्हीं चलो मुझे टाँग काटमो तब मैं माँ बैठे रहा ना हमारे उसका काटो बहुत अच्छा अब जो भी होगा फिर जब जाएंगे तभी पता चलेगा तो कल जाना है वहाँ पे अब बनाती हूँ भात दाल मैंने बना दी है मतलब उबाल दिया दाल तो दाल छौकनी है प्लस कपड़े उठाने ये करने वो करने सासू जी को नहला दिया का मतलब बाल धोने होते भैया डर लगता है
कि आँख में पानी ना चला जाए। 5 महीने हो गए पूरे, दिक्कत है भाई, अब क्या करें, नहा भी नहीं रहे। कि मैं रोज़ बोलती हूँ एक दिन छोड़ के भाई नहा लो नहा लो, आँख की वजह से डरते हैं तो नहीं नहाते। मुझे ऐसा लगता नहा लेते थोड़ा अच्छा लगता। अब ऐसी है समस्या है, भारी समस्या। तो चलो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। तुम लगाओ वीडियो लाइक और शेयर करना। लाइक क्या कहा ऐसे तो कर दिया, लाइट कर दिया, लाइट ना लाइक कहो, लाइक ऐसे कहो। बुच्छी चकान हो उन्होंने वीडियो लाइक महातल को नहीं ऐसी बुद्धि। अच्छा सासू जी को ऐसे करने में अच्छा नहीं लग रहा, बोले मैं नहीं दिखा रही, बोले ऐसे बोल रही हूँ कि लाइक कर देना, लाइक कर देना तो ठीक है। दुकान भलवाई नहीं है ऐसी लाइक लाइक तो कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा तो कहो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भलू लगा दू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू।